brought to you by Ludo Fantasy. Wishing you a very happy and healthy new year. ये समाजवादी पार्टी के नेता दान बहादुर जी ये जमीन घोटाले की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के नेता जिनके सुनो जिनके 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 पास एक बीघा खेत था और अरबों के आदमी हैं, आप बैलेंस शीट निकलवाओ अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की। राजनीति में आए थे तब क्या था, कुछ क्या है कुछ। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम मौजूद हैं इस वक्त अयोध्या में। जी हां, भगवान राम की नगरी अयोध्या और यूपी तक का कारवां यहां आ पहुंचा है और आज हम अयोध्या में अपने उस विमर्श उस डिबेट के साथ हाजिर हैं कि आखिर यूपी किसका, यानी कि कौन जीतेगा यूपी, यूपी किसका होगा, लेकिन अयोध्या के मुद्दे क्या होंगे, क्या जो राज्य के मुद्दे हैं वही अयोध्या के मुद्दे होंगे या यूपी की जनता अयोध्या की जनता और भी मुद्दों पर वोट करेगी। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हमारे पैनलिस्ट, हम उनसे आपका तारुफ करा दें। संजीव सिंह जो कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ होंगे। दान बहादुर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लगातार टीवी पे दिखते हैं, पक्ष रखते हैं। और हमारे साथ आशीष गौतम हैं, आशीष गौतम सेक्टर प्रभारी हैं, संयोजक हैं बसपा के, और हमारे साथ हमारे सहयोगी बनवीर हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो इन तमाम लोगों से हम शुरू करेंगे कि आखिर अयोध्या में कौन जीतेगा, अयोध्या किसकी होगी और यूपी किसका होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा चर्चा आप ही की है, तो आपको ये बताइए बहुत जल्दी में बताइएगा कि जनता आपको, अयोध्या की जनता वोट क्यों करे। देखिए, जनता के अयोध्या की जनता हमको इसलिए वोट करे कि 2014 में जब से इस देश की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में गई है, जो हमारा चिंतन था एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल जी का सपना, वह सपना अक्षरशः सत्य हुआ है। हमने गरीबों के हिस्से की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई हैं, गरीबों के आंगन में प्रकाश बिखेरने का प्रयास किया है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है और इस देश की सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम गरीब करता है। लेकिन अयोध्या के लोग क्यों वोट करेंगे, बताइए। अयोध्या के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है वोट करने के लिए। हमने गरीबी के साथ साथ अयोध्या जिस चीज के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, पहचानी जाती है, जो अयोध्या का केंद्र बिंदु था, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि है और वह जन्मभूमि जहां पर एक भव्य मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों से हिंदू संघर्षरत था, उस सपने को साकार करने का काम हमारी सरकार में हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर। तो अयोध्या में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, हमारे साथ दान बहादुर सिंह है, ये बताइए आपको अयोध्या की जनता समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करे। अयोध्या की जनता समाजवादी पार्टी को इसलिए वोट करे कि अयोध्या में अंडरग्राउंड केबल 55 करोड़ माननीय अखिलेश यादव ने दिया था, अयोध्या शहर में सीवर लाइन अखिलेश यादव ने दिया था, भजन संध्या अखिलेश यादव ने बनवाया। अयोध्या की जनता महंगाई के नाम पर वोट करे, अयोध्या की जनता डीजल पेट्रोल की महंगाई के नाम पर वोट करे, अयोध्या की जनता 1,000 रुपए सिलेंडर के नाम पर वोट करे, अयोध्या की जनता अमन और शांति और देश की तरक्की और भलाई के नाम पर वोट करे, अयोध्या की जनता लैपटॉप पे वोट करे। इनका तो लैपटॉप घोषणा पत्र में था कि हर साल हम हाई स्कूल पास को टैबलेट और इंटर पास को लैपटॉप देंगे, 2 GB डाटा पर डे फ्री देंगे, लेकिन 5वां साल हो गया, ये केवल हल्ला करने जाते हैं, हल्ला में माहिर है, ये हल्ला करके एक बार सरकार बनाए थे, भ्रम फैला के सरकार बनाए थे, जनता इनको जान गई है, पहचान गई है। देखिए, ये केवल शोर शराबा करने वाले लोग हैं। हम हल्ला कर यहाँ पर समर्थक भी काफी जुट गए हैं, लेकिन हम अभी बात करेंगे, इन तक भी पहुंचेंगे, इनसे भी राय लेंगे। लेकिन हमारे साथ BSP के आशीष गौतम हैं, ये सेक्टर संयोजक हैं। आप ये बताइए कि बसपा को अयोध्या और आसपास की जो जनता क्यों वोट करे। अयोध्या में तमाम पार्टियों ने सिर्फ अयोध्या के नाम पर राजनीति करने का काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सरकार में यहाँ की पैकर्मा मार्ग सबसे पहले बहन जी ने बनवाने का काम किया है, नए सिरे से चौड़ीकरण और पैकर्मा पूरा मार्ग बनवाने का बहन जी ने काम किया है, यहाँ अयोध्या में स्टेडियम बनवाने का काम किया है, अयोध्या में जो है जितने भी विकास पहले हुए हैं मायावती जी ने ही करवाया है, और तमाम योजनाएं हैं। जब सरकार मायावती जी की थी, कानून व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ की महिलाएं सुरक्षित थी, बहन बेटियां सुरक्षित थी, युवाओं को और महिलाओं को, जो हमारी बहनें आज पढ़ लिख रही हैं,
उन्हें रोजगार मिलते थे, आज की सरकार में कहीं कोई रोजगार नहीं है। 2 करोड़ के वादे कर आज युवा और हमारी बहनें सड़क पर लाठियां खाने को मजबूर हैं। ये भाजपा और ये समाजवादी की देन है और मायावती जी के शासन में ये कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी सुरक्षित थी कि हमारे बहनें रात में भी घूमा करती थी, हमारे युवा जो भाई है वो रोजगार पाया करते थे। इसीलिए अयोध्या की जनता आदरणीय बहन जी को वोट करे और मुख्यमंत्री बनाए। चलिए, तमाम पार्टियों ने अपने अपने दावे अयोध्या के लिए कर दिए, यहाँ पर जनता मौजूद है। हालांकि मुझे बीजेपी के समर्थक ही यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप सब लोग भाजपा के ही समर्थक हैं क्या? नहीं, सर पे सुन लीजिए पहले। हाँ, हम सुशासन के समर्थक हैं, हम कुशासन में नहीं जाना चाहते हैं। दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता सुशासन पर वोट देगी। आप भी भाजपा का ही समर्थक हैं? लोगों ने कहा, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि जितने मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जितने यहाँ पे नारेबाजी सुनाई दे रही है, सब भाजपा के ही समर्थक दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम श्री जय श्री राम। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की नगरी से बोल रहा हूँ, आशीष दुबे। हम लोग ना तो किसी पार्टी के हैं, ना तो किसी सत्ताधारी से हैं। मैं सिर्फ राम के लिए हूँ, जो राम के लिए है मैं उसके लिए हूँ। तो लोग अपने को कह रहे हैं कि वो राम की नगरी है, वो राम के हैं इसलिए। लेकिन अब हम शुरू करते हैं अपना डिबेट। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सुशासन के लिए आपको वोट करें, तमाम चीजें, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमला आप ही पर हो रहा है कि भाई आप लोगों के रहते अयोध्या में न राम मंदिर बन पाया, न उल्टे याद दिलाते हैं वो दौर जब बाबरी मस्जिद का। सबका उत्तर देते हैं। ये लोग केवल हल्ला करना जानते हैं। 5 साल में कोई विकास कार्य अयोध्या फैजाबाद में नहीं हुआ है। हाँ हुआ है तो भगवान के नाम पर अभी जमीन घोटाले हुए हैं, उनकी जांच करा रहे, पता नहीं कब उत्तर आएगा। हाँ विकास इनका हुआ है, किसानों को थार घोटाले, आपने जमीन घोटाले की चर्चा ये समाजवादी पार्टी के नेता दान बहादुर जी ये जमीन घोटाले की बात करते हैं, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। वो समाजवादी पार्टी के नेता जिनके पास 1 बीघा खेत था और अरबों के आदमी हैं, आज भगवान के नाम पर आप बैलेंस शीट निकलवाओ अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की। राजनीति में आए थे तब क्या था, कुछ क्या है, कुछ कह रहे सुन तो लीजिए। विधायक, मेयर, अधिकारी, इनके सब आकंठ डूब के प्रॉपर्टी डीलर बने हैं अयोध्या में। तो जवाब नहीं होगा। देखिए ये जो बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान में किसी भी व्यक्ति को व्हाइट मनी से लीगल तरीके से जमीन खरीदने बेचने का कोई प्रतिबंध नहीं है। 10 रुपया के दान पत्र पर नहीं लिख सकता इलाहाबाद में जो निवास करता है, प्रधानमंत्री आवास पे बेचारा निवास करता है करोड़ों की। लेकिन एक बात तो यह है कि इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल केवल वही उठा रहे हैं जिनको हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। जो सवाल उठ रहे हैं, महेश योगी की संस्था ने जमीन खरीदी है, उसके मालिक महेश योगी हैं, उनकी संस्था है और वो जिसको चाहे उसको बेच सकते हैं। व्हाइट मनी में कोई खरीद रहा है तो ये घोटाला नहीं है, क्योंकि ये राम के द्रोही हैं, राम का विकास नहीं चाहते हैं, ये मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, ये अयोध्या अगर राम इनके अंदर होते ये तो बड़ा राम सेवकों पर गोली ना चलाते। ये तो बड़ा आसान है कि राम द्रोही कह देना। आप बताइए, हम राम को अपने हृदय में रखते हैं, ये राम का नाम का व्यापार करते हैं, व्यापार करके सरकार बनाई, इसीलिए राम सेवकों पर गोली चलवाए थे। राम की प्रजा दुखी है इनसे, अयोध्या वासी दुखी है, राम के प्रजा का लूटने नहीं पा रहे हैं, जो जमीन लिखवाए हैं, जो इनके अधिकारी और नेता लिखवाए उन पर बुलडोजर कब चलाएंगे। देखिए कि आप दुखी है, ये संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं करते हैं। इन्होंने अपने शासन काल में संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जेब में रखने का काम किया था। आपको वो याद होगा, लखनऊ में सीए को बोनेट पर बैठाकर हजरतगंज तक दौड़ाने का काम समाजवादियों ने किया था, वो भूल गए। अब हमारे साथ हमारे 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 सहयोगी हैं बनवीर। बनवीर जी, आपने सभी लोगों को सुना, इनके पास भी हम आएंगे। ये बताइए मुद्दा क्या है यहाँ, क्या राम जन्मभूमि, धारा 370 राष्ट्र के ही मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे भी हैं? देखिए, सबसे बड़ी अभिषेक जी बात यह है कि जब भी चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दे कहीं न कहीं गौड़ हो जाते हैं और पूरा चुनाव इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है
कि राम के नाम पर चुनाव हो, धर्म के नाम पर चुनाव हो और जाति के नाम पर चुनाव हो, तो इस कास्ट और धर्म इन सब चीजों में चुनाव को बांट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कोशिश इस बात की जाती है कि स्थानीय मुद्दे सामने आए ही ना। चलिए, तो स्थानीय मुद्दे होंगे, आपको बड़ी चर्चा सिर्फ इस बात की है कि राम मुद्दे होंगे। यहाँ जो भीड़ दिखाई दे रही है, जय श्री राम के नारे दिख रहे हैं, बसपा कहाँ दिखाई देती है? बसपा सर लोगों के दिलो दिमाग में है, क्योंकि बसपा का शासन कोई भूल नहीं सकता। कोई विरोधी भी अगर होता है तो अंत में ये कह के जाता है कि बहन जी के ही सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी थी। और आज यहाँ हर व्यक्ति, चाहे भाजपा के लोगों, सपा के लोगों, ये भी कह देंगे कि हाँ, मायावती जी के शासन में कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ये लोग राम और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी धर्म और जाति पे राजनीति नहीं करती। वो भाईचारा समता मूलक की समाज पे वो धर्म और धर्म की राजनीति नहीं करती। वोट आपको कौन सा मिलेगा? हमें सर्व समाज का वोट मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की जनता, सर्व समाज के लोग इस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था कहीं स्थापित हो सकती है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही हो सकती है। बहुत, लेकिन यहाँ पर हमें जो लोग दिख रहे हैं उनसे भी पूछते हैं, ये बताइए, सुनिए। अरे आप सब लोग भाजपा के ही हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि सब भाजपा के समर्थक हैं। पूरी अयोध्या भाजपा की है, पूरी अयोध्या भाजपा की है। आपने टोपी हटा दी, अब टोपी हटा के आ गए। हाँ। अब क्या भाजपा के हैं कि नहीं? नहीं, भाजपा के तो हैं। पूरे इस समय हिंदुस्तान में इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, हमारे बाबा जी जितना। लेकिन चर्चा तो अयोध्या में जमीन घोटाले की चल रही है। कुछ घोटाला नहीं है, वो जांच का विषय है, वो लीगल 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 प्रोसेस में है, लीगल लीगल प्रोसेस में है, निष्कर्ष जांच के बाद आएगा। क्या कह रहे हैं? ये तो घोटाला, देखिए, झूठी फर्जी कह रहे हैं कि आप लोग, और ये लोग गोली चलवाने वाले लोग है, ये गोली चलवाने वाले, राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाने वाले, ये क्या बोलने वाले लोग? और लोगों से ही पूछ लेते। बच्चा रोता है इनके। आज योगी राज में गरीबों के यहाँ जो दुकान पर कमाही का राशन खरीदते थे, वो गरीबों के यहाँ फ्री में राशन पहुँच रहा है। कोई यहाँ सफाई का डांस नहीं योगी जी करवा रहे हैं। प्रदेश का पैसा, देश का पैसा। दानवीर जी से जवाब लेते हैं ना, दानवीर जी, दान बहादुर जी से हम जवाब लेते हैं कि ये बताइए दान बहादुर जी, सबसे ज्यादा हमला आप ही पे, चारों तरफ से भाजपा के समर्थक। सर, अब इनकी रैली यही थी, आ गए हैं, सबसे ज्यादा हमला इसलिए हमारे ऊपर करेंगे ये लोग, सरकार हमारी आ रही है। ये बंबई से लेकर कोरोना में उत्तर प्रदेश तक लोग पैदल चले हैं, उसको भूला नहीं है, ऑक्सीजन के बिना मरे हैं लोग। कह रहे हैं कहाँ आपका है। ये बोल रहे हैं आपके नेता कहाँ थे, निकले तो साल यहाँ हमेशा 144 लगवा देते हैं, उधर रहे। आप क्या कह रहे थे, इतिहास साक्षी है, पूरे देश ने देखा है। ये कह रहे हैं कि आपके नेता कोरोना में कहाँ थे? हमारे नेता को निकलने नहीं दिया जा रहा था, हमारे कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे थे जनता की कर पा रहे हैं। आप भी पूरे उत्तर प्रदेश में टहले हैं, अपनी अंतर आत्मा पे आवाज की हाथ रखकर पूछिए कि कोरोना के पीरियड में भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई सड़क पर दिखा आपको? ये केवल कोई नहीं दिखा थे, दिखे हैं। ये अगर इनकी घबराहट बता रही है कि इनको डर सता रहा है, इनकी घबराहट बता रही है कि इनको डर सता रहा है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब रोज डेरा डाले। अरे ये तो इनसे भी पूछ ले, इनसे देखिए, ये तो चुनावी व्यवस्था है, जब चुनाव आएगा अपने मुद्दों को, अपने एजेंडों को लेकर हर आदमी जनता के बीच में जाएगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, इन्होंने 14 में देखा, इन्होंने 17 में देखा, और इन्होंने 19 में एक बेमेल गठबंधन किया। ये जो दोनों लोग बैठे हैं, मायावती ने कहा था इस जन्म में गठबंधन नहीं होगा, अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, मेरी इज्जत किसी तरह भाजपा वालों ने बचा दिया था उसकी वजह से, और उस बेमेल गठबंधन के बाद भी ये हारे हैं, किए कश्मीर में, और ये हारे हैं। ये करे तो जायज है, हम करे तो नाजायज है। इनकी घबराहट बता रही कि अखिलेश यादव की सरकार यूपी में आ रही है, घबराहट बता रही है, कह रहे हैं घबराहट बता रही है, अखिलेश बता रही है। ये लोग हैं ज्यादातर भाजपा के समर्थक हैं, अयोध्या में हैं, बस राम के साथ हम लोग, उसके साथ हम राम के साथ। आप सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे आम लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अमित शाह की रैली भी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। ये बताइए कि इतनी अयोध्या में
आपका स्टेक कहाँ है? या तो राम की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, या सपा की बात होती है? बात जो है यहाँ की जनता कर रही है। ये तो नेता, ये तो अभी यहाँ पे रैली थी तो भाजपा के लोग आ गए हैं, लेकिन यहाँ की जनता बसपा की बात करती है। वो कहती है कि कानून व्यवस्था अगर कहीं थी तो बहुजन समाज पार्टी के सरकार में थी। अगर यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में कानून का राज अगर ला सकता है तो वो आदरणीय बहन जी है, और कोई ये लोग सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करते हैं और ये देश को प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। और अगर ये जनता खुशहाल होगी तो बहन जी की सरकार में होगी, नता और किसी की सरकार। चलिए बनवीर, ये बताइए कि इतनी जनता जो दिख रही है, भाजपा के लोग दिख रहे हैं, या सही में यही बात है जो अयोध्या बोल रहा है, जो ये बोल रहे हैं आज, या सिर्फ समर्थक हैं बोल रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा है नहीं। जो मौजूदा समय में सांसद हों या पांचों विधानसभा के विधायक हों या मेयर हों, सारी जो जितनी भी एक तरह से महत्वपूर्ण पद हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। लेकिन इसको दोहराना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इतनी बड़ी तादाद में फिर से एक अधिकार पाने के लिए। क्यों? कहीं ना कहीं जो चीज़ें ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ पर्दे फायदा किसको जा रहा है? सपा मजबूत दिख रही है, बसपा? नहीं, सीधे तौर पे अगर अयोध्या की बात ना करें, चाहे हम फैजाबाद की बात ना करें, चाहे हम पूरे मंडल की बात ना करें या पूरे प्रदेश की बात करें, तो हर जगह जो है सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी से होगी। ये बनवीर सिंह का दावा है, जो कि पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं। यहाँ तो समर्थक दिख रहे हैं आपके, लेकिन जमीन पर आपकी लड़ाई? हमारा समर्थक गरीब है और वही गरीब सरकार बनाता है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, 17 में भी उसी ने बनाया, 19 में भी उसी ने बनाया, और जो है 22-14 में भी उसी ने बनाया था। आज भी गरीब हमारे के साथ है, गरीब इनके साथ है। इन्होंने इनका लाभार्थी इनके साथ है, इन्होंने बहुत कुछ दिया है। इनका कहना है जिनको गैस दिया वो सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं, वो कपड़ा धर रहे हैं और बल्टी धर रखने का काम करते हैं। इनके साथ गरीब अंबानी है, अडानी है, ऐसे लोगों को गरीब है। भारत की यह पहली सरकार है जिसमें उद्योगपतियों, अरबपतियों की संख्या बढ़ी है और गरीबों की संख्या भी बढ़ी है। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। क्या कह तो नहीं मिला? हमारे साथ कुछ लोग हैं। एक भी अनुसूचित जात को इनके पीरियड में स्कॉलरशिप नहीं मिली, समाजवादी पार्टी के पीरियड में। पहली सरकार ऐसी है जिसने खत्म किया। यहाँ पर लोगों के दावे हैं, हालांकि हमारे साथ जो जनता मौजूद है उसमें ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब हम अपने इस डिबेट के आखिरी दौर में हैं और एक एक सवाल सबसे पूछेंगे, और सवाल सिर्फ यही है कि कितना सीट दावा कर रहे हैं, कि कितनी सीटें जीतेंगे। आखिरी सवाल है ये, बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं आप, बताइए संख्या, बताइएगा संख्या 300 से ऊपर, और जनता का जिस तरह से जन झुकाव है 400 तक भी हो सकती है। अखिलेश जी तो 400 से ज्यादा, तो वही जनता का जिस तरह से रुझान है 400 तक होता। बाकी तीन सीट कोई जीतेगा कि वो भी जीत जाएगा? कोई जीत जाएगा, निर्दल होता। चार तीन, आप कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए हमारा नारा है अब की बार 350। कितनी सीटें? 350 के पार। 350 से ज्यादा पार। बसपा से जो मौजूद है कितनी सीटें जीतेंगे? सर कितनी सीटें जीतेंगे? 250 प्लस। 250 से ज्यादा सीट। अयोध्या की कितनी सीटें जीतेंगे? अयोध्या की हम 500 सीट जीतेंगे, क्योंकि जनता भाजपा से त्रस्त है और समाजवादी को देख चुकी है। अब की बहन जी की सरकार आनी पांचवी बार तय है। चलिए आपसे पूछ लेते हैं, 500 सीटों पर कितनी कांटे की लड़ाई है? 500 सीटों पे इस समय जो है, अगर 2 विधानसभा को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 विधानसभा पे सीधे तौर पे लड़ाई है, और उसको बचाना भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए यहाँ जो जनता मौजूद है ज्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं, आखिरी सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं, क्या रिजल्ट होने जा रहा है? आप लोग तो कहेंगे भाजपा के ही हैं। भाजपा के नहीं, पहली बात यहाँ की पूरी पांचों की पांचों सीट भाजपा जीत रही है। रामराज है और राम जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबला बहुत कड़ा है, मुकाबला कड़ा है, आसान नहीं है जीत। जीत किसी की भी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है और तीसरा कोई लड़ाई में नहीं है, ये सच्चाई है। आप लोग जो पीछे हैं, आप लोग ये बताइए क्या यहाँ किसकी लड़ाई है? यहाँ बहुजन समाज भी लड़ेगी, बहुत धड़ाके से। बसपा लड़ेगी? बसपा लड़ेगी। आप बताइए यहाँ से लड़ाई है? भाजपा किससे लड़ाई है मेरे भाई? भाजपा जीत रही, लड़ाई किसी सही लड़ाई। तो हम अपने इस डिबेट के आखिरी दौर में, और तमाम लोगों ने अपने दावे किए, लोग क्यों वोट करें, अयोध्या की जनता बीजेपी को क्यों वोट करे, सपा को क्यों वोट करे, बसपा को क्यों वोट करे, इन नेताओं ने कहा। लेकिन एक बात तय है कि 2019 और 2022 में अंतर होगा और लड़ाई आसान नहीं है।
अयोध्या से कुमार अभिषेक, यूपी तक का हमारा ये कारवां सफर शहर दर शहर आगे भी जारी रहेगा और हम आपके लिए ये डिबेट उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से लेकर आते रहेंगे। कुमार अभिषेक, यूपी तक।